और अब बात तिरुपति लड्डू प्रसादम की। प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता है, ऐसे दावे किए गए और इसको लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आस्था पर चोट, तिरुपति के प्रसाद में चर्बी का विरोध, देश भर में उठी मांग, मंदिर के प्रसादों की हो जांच। तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है जिसने करोड़ों भक्तों की आस्था पर इतना बड़ा हमला किया। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद गुजरात की लैब रिपोर्ट में भी इस बात की जानकारी दी गई कि लड्डू के प्रसाद में पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश मिले। बताया गया कि लड्डू प्रसाद को बनाने में सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लिनसीड, गेहूं बीज, मक्का बीज, कपास बीज, मछली का तेल, नारियल, पाम कर्नल फैट, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लार्ड यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग की है कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बने। पीपल वर सेइंग कंप्लेनिंग रेगुलरली द स्मेलिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट द यूजुअल प्रसाद। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल यूज्ड टू कम टू मी एंड दे सेड सी व्हाट्स हैपनिंग, मे बी यू हैव टू पुट फॉर अस ऑयल, आई मीन सम काइंड ऑफ लैब टेस्टिंग। वहीं प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट का आरोप वाईएसआर कांग्रेस की पुरानी सरकार पर लगा तो पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए चंद्रबाबू नायडू पर भगवान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. इस बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के मुख्य पुजारी श्री रमण दीक्षितुलु जी ने प्रसाद में मिलावट के आरोपों से इनकार किया। वहीं इन आरोपों के बीच देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने आस्था को बड़ा बताया। मैंने टेस्ट किया पहले, बिकॉज हमको पहले प्रसाद मिलता है उसके बाद में हम कलेक्ट करते हैं, तो मुझे टेस्ट में बिल्कुल भी नॉट अ बिट डिफरेंस लगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने वो न्यूज़ भी पढ़ा, बिकॉज वी हैव सो मच श्रद्धा टुवर्ड्स दिस प्लेस, सो आई डोंट थिंक सो इट हैज टू बी ट्रू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी फॉर माय फ्रेंड्स। बात क्लेम की, सो आई डू नॉट नो अगर सच है या नहीं है, बट ठीक है, मैं फेथ रख के आया था, मेरा काम है मेरे को यहाँ से लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, सही गलत वो गॉड देखने बैठा है। श्रद्धालुओं ने इस बीच पूरे मामले की जांच की भी मांग की। लड्डू है तिरुमला बालाजी का, वो सेंटिमेंट है, वो यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं और हमेशा की तरह बांटने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट है जो न्यूज में चल रहा है, सब लोग सब कहते हैं कि ये गलत होगा या उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि लड्डू का टेस्ट वही है, वो अच्छा है। तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करने दुनिया भर से लोग आते हैं जो लड्डू प्रसाद को अपने साथ बांटने के लिए भी ले जाते हैं, लेकिन लैब रिपोर्ट में पशु चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद अब पूरे देश में मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की जांच की मांग भी तेज हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और भारत के केंद्र सरकार दोनों इस विषय को गंभीरता से लेंगे। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के मिलने के मामले में इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई कि क्या हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से अलग रखा जाए। तिरुपति से शेषागिरी, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, दिल्ली से देवेश कुमार, पटना से प्रशांत झा, जम्मू से रजत बोहरा और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।